कि आपने पढ़े हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन सा पोषक तत्व से, किस अनाज से, किस फल से, किस सब्जी से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। अगर वो चीज हम ना लें तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। इसके बाद जैसे ही हम छठी क्लास में आते हैं ग्रोइंग अप, उसमें किशोर अवस्था आता है, उसमें क्या होता है बेटा, हमारे अंदर 11 साल लगभग 10-11-12 साल की एज में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे व्यवहार में, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे शर्माने लग जाते हैं, मेंसेस भी शुरू हो जाते हैं लड़कियों को, तो कई बार बच्चे शर्माने लग जाते हैं। तो ये बात प्रोग्राम से स्कूलों में क्यों चलाए गए हैं कि बच्चे इन चीजों को जाने, क्योंकि उनको पता नहीं होता, इसलिए वह छुपते हैं और शर्माते भी हैं। तो ये बच्चों को हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज की पढ़ने वाले बच्चों को भी, तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो बेटा क्या उसमें हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा लड़के जो होते हैं उनमें मूछ दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, आवाज भी थोड़ी वाली होती है, आपने देखा होगा ना कई बार हम कर ऐसे कैसे बोल रहा है, वो क्या होता है नेचुरल होता है उसकी जो आवाज है ना धीरे धीरे, पहले तो तू ऐसे नहीं बोला करता, अब तो पता नहीं क्या उस बच्चे में कोई दोष नहीं है, उसमें जो हार्मोन चेंजेस हुए हैं, हार्मोनल चेंज जो आए हैं उनके कारण उसके अंदर उसके व्यवहार में इफेक्ट दिख रहा है। तो हमने क्या करना है बेटा, इस तरह के जब आपको कोई प्रभाव आपके देखते तो अपने तरफ से बड़ा सचेत होना है, टीचर्स को भी, और यही चीजें अपने पेरेंट्स को भी बतानी होती है। हम एक माध्यम है, टीचर बताता आपको, आप बताइए अपने समाज में, अपना भाई आपका कोई गुस्सा करे तो आप बताओ नहीं मम्मी ये चीजें ऐसे होती है, इसका कोई दोष नहीं, कोई नहीं। तो जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो उसको थोड़ा हैंडल करना होता है, प्यार से हैंडल करना होता है। अब लड़कियों में भी कुछ चेंजेस आते हैं, लड़कियां शर्माती है, ठीक है, तो ये शर्माना नहीं है, ध्यान रखना है उसके प्रति सचेत होना। अब मेंसेस आ जाते हैं तो हमें उसके प्रति साफ आंदोलन आना, हमें अपने को कैसे मेंटेन करना उन बातों का तो हमें पता होगा, तभी तो हम कर पाएंगे। और हमारे स्कूल में जैसे सैनिटरी नैपकिन भी आते हैं या बॉक्स रखे हुए हैं, ये भी बच्चों को सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है। आजकल खाना भी सरकार दे रही है, किताबें भी बहुत सारी क्लासों में देते हैं, सैनिटरी नैपकिन है, इतनी सुविधाएं देती है बच्चा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो पेरेंट्स जो है कहीं तक हम गरीब है उनके ऊपर कोई बोझ नहीं। बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, तो बेटा थोड़े से सचेत हो अपने एनवायरमेंट के साथ, वो अपना एनवायरमेंट क्या है, अपना घर भी है और अपना स्कूल भी है, अपना समाज भी है जिस समाज में आप रहते हैं, आपके साथी भी है, आपने कैसा व्यवहार किसके साथ करना है, ये हम स्टेप वाइज हमारे अलग अलग टॉपिक के तहत हम ये सीखते रहेंगे। हाँ मेन बात ये बेटा, आपने जो बातें यहाँ सीखते हो देखते हो उनको व्यवहार में लेके आना है। कहीं किसी तरह की भी समस्या है हमारे से आप बात करें, टीचर और माँ बाप एक ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। आप अपनी जो समस्याएं किसी तरह की भी है अपने टीचर से शेयर करें, अपने माँ बाप से शेयर करें, हर चीज का समाधान। तो ये की तरफ से डरना नहीं है, प्राकृतिक चेंजेस जितनी भी एक्टिविटीज है वो हार्मोन्स पे आधारित है, उनसे कंट्रोल की जाती है। तो हम बदलता हुआ जो एनवायरनमेंट है उसको सभी बच्चों ने बड़ा ध्यान से, टीचर्स ने भी बड़े ध्यान से सुने हैं और बच्चे इस चीज